आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप पिवट एंड पावर पिवट के बारे में। कमलेश जी, प्रमोद जी, रवि जी एंड मोहम्मद अकरम जी है हमारे साथ। तो हमारे पास तीन डेटा है। पहली डेटा आप देख रहे हैं जिसमें हमारे पास सेल्स है, जिसमें सेल्स की आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट की आईडी है, कस्टमर आईडी एंड क्वांटिटी है। इसमें कस्टमर का नेम नहीं है, कस्टमर का एड्रेस या लोकेशन नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट का नेम और उसकी एमआरपी वगैरह नहीं है। तो हमें एक ऐसा, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हमारे प्रोडक्ट वाली शीट में है, कस्टमर की डिटेल हमारी कस्टमर वाली शीट में है। तो मान लीजिए मुझे कस्टमर के हिसाब से या कस्टमर की सिटी के हिसाब से या फिर मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से अगर सेल्स रिपोर्ट चाहिए तो पिवट में एक सीट से दूसरी सीट तो लेता नहीं है। तो हमें यहाँ पे रो इंसर्ट करके वी लुकअप लगाना होगा और वी लुकअप से मुझे इसको कॉल करना होगा दूसरे शीट से, जनरली जो करते हैं वो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वी लुकअप का काम पिवट अपने आप कर ले। तो इसके लिए यूज करेंगे रिलेशनशिप पिवट और पावर पिवट। सबसे पहले हम रिलेशनशिप पिवट की हम बात करते हैं। तो जैसे हम रिलेशनशिप पिवट के लिए जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया और हम जैसे पिवट इंसर्ट करते हैं, पिवट इंसर्ट करते समय आपको यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन होता है कि एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, परमिशन देंगे रिकॉर्डिंग का? हो गया। फिर ऐसे हम दूसरी प्रोडक्ट का है तो उसको भी हम यहां लेंगे और यहां पे पिवट टेबल इंसर्ट करते समय इसको भी ऐड टू डेटा मॉडल कर देंगे। जैसे दो डेटा आपको डेटा मॉडल में आप ऐड करेंगे, रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो किसी भी पिवट, जो आपने पहला पिवट लगाया, दूसरा पिवट लगाया, किसी भी पिवट के ऊपर क्लिक करें और रिलेशनशिप में चले जाए। रिलेशनशिप मतलब कि दोनों पिवट के बीच में कॉमन क्या है। जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो आप आईडी और देते हैं ना कि हाँ यहाँ से उठाना है, इसके अंदर जाना है, तो वही आपको रिलेट करना होगा। न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ रिलेशनशिप में बोलता हूँ कि रेंज, यहाँ पे रेंज और रेंज वन रेंज टू इस तरह से होगा। उसकी हमने बोल दिया पी आई डी रेंज वन की पी आई डी के बराबर है। ओके, ऐसे अगर दूसरा तीसरा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। मेरे फिलहाल हम दो ही हैं, हम ओके करते हैं। तो करने के बाद यहाँ पे एक्टिव और यहाँ पे आपके ऑल दिखेगा। तो ऑल में आप देखिए रेंज और रेंज वन दोनों दिख रहा है। तो हम रेंज वन की क्वांटिटी को रखते हैं यहाँ पे और रेंज की हम यहां से नेम को रख देते हैं। तो देखिए हमारा सिटी वाइज अरे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे दिख गया। तो रिलेशनशिप का यूज हम ऐसे करते हैं। किसी को डाउट रिलेशनशिप में? एक बार सर रिपीट कर दीजिए। चलिए हम आपको रिपीट करते हैं। सबसे पहले जब आप पिवट इंसर्ट करेंगे तो पिवट इंसर्ट करते समय आपको क्लिक करना है यहाँ एड डेटा टू डेटा मॉडल। सबसे पहला काम ये आपका है, इसको जरूर कीजिए। जिस जिस पिवट को, जिस जिस डेटा पे रिलेट करना है आपको, दोनों डेटा को एड पिवट लगाते समय एड टू डेटा मॉडल कर दें। उसके बाद जब दो डेटा को रिलेट करेंगे डेटा मॉडल में ऐड करेंगे, सॉरी सर म्यूट हो गया था। जब दो डेटा को हम तो दो डेटा को जब करेंगे तो आपके पिवट पर जब क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल की एनालिसिस टूल्स में रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा।
अब इस रिलेशनशिप एक्टिवेट में करने के बाद आप चले जाए न्यू बेस रेंज की जो जो कॉलम्स है उनको आप रिलेट कर दे, बता दे कि रेंज और रेंज वन मतलब कि सेल्स एंड प्रोडक्ट के बीच में कॉमन क्या है, तो पीआईडी है, ठीक है। उसके बाद आप किसी पीवर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे एक्टिव पीवर्ड और यहाँ पे ऑल दिखेगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों डेटा आ गया। अब जिसमें से जो उठा के जैसे कि मैंने रेंज वन से नेम यहाँ रख दिया और रेंज से हमने क्वांटिटी को यहाँ रख दिया और रिपोर्ट हमारा दोनों शीट से बन गया, ठीक है। Okay, अब यहाँ पे दिक्कत है कि चलो दो तीन सीट पे तो हम कर लेंगे क्योंकि देख ही रहे कितना बार पिवट ऐड हो रहा है, हर बार जब भी हम पिवट ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना चाहते क्योंकि क्वांटिटी नहीं, मुझे यहाँ पे रेवेन्यू चाहिए, तो उस केस में रिलेशनशिप पिवट उतना सक्षम नहीं होता है। उसके लिए हम यूज पावर पिवट। सबसे पहले मेरे सिस्टम में पावर पिवट नहीं है, नहीं होता है डिफॉल्ट, तो आपको फाइल मेनू में जाना है एक्सेल ऑप्शंस के ऊपर और यहां एडिंस पे क्लिक करना है और एक्सेल एडिंस के जगह पे यहां पे कॉम एडिंस आएगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड एक्सेल पे क्लिक कीजिए और यहां पावर पिवट दिख रहा है, इस पावर पिवट पे क्लिक करके ओके करें। ओके करते ही आपको यहां नया पावर पिवट का टूल दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां इसके मैनेज पे क्लिक कीजिए तो एक्सेल जैसा ही एक अलग प्लेटफॉर्म आपको खुल के आएगा और फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगाएगा तो देखते रहिए। तो इसमें देखिए दो डेटा हमने ऐड किए हुए हैं तो आगे यहां पे डिफॉल्ट यहां पे पीआईडी का एक ही आया हुआ है। मैं क्या करता हूं फिर सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां ऐड डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देता हूं, माय डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक करता हूं टेबल आ गया। ऐसे ही हम तीसरे सीट पे ही जाएंगे, तीसरे कस्टमर के सीट पे ही जाते हैं। और इसको सिलेक्ट करते हैं पिवट टेबल में हमारे पास ऐड डेटा मॉडल पे क्लिक करते हैं। तो पहले सबसे पहले सब डेटा को ऐड करके इस मैनेज वाले सीट में ले आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब तीनों सीट का नाम अगर चेंज करना चाहो रेंज की जगह पे तो मैं इसका कर देता हूं पीआर प्रोडक्ट, एंटर प्रेस किया, इस टेबल वन का नाम रख देता हूं सेल्स इसका देता हूं CUST कस्टमर। तीनों के बीच में हमें कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है तो आपको यहाँ डेटा व्यू के बगल में डायग्राम व्यू दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें।
आपको यहाँ पे रिलेट करने के लिए कोई खास नहीं करना है, बस इसे पीआईडी को उठाया और इस पीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। और यहां भी सीआईडी को उठाया और इस सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया, तो तीनों के बीच में रिलेशन हो गया। अब डेटा व्यू पे आता है, मेरा मेन टेबल कौन सा है, सेल्स का टेबल है, तो मुझे इसमें क्वांटिटी को ऐड करना है, तो मैं यहाँ एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ। ये बैकएंड में हो रहा है, हमारे डेटा में कुछ नहीं हुआ, डेटा में जैसा तैसा रहेगा। मैंने यहाँ पे एमआरपी ऐड कर दी, और फिर इसमें हमारे पास एक रिलेटेड नाम का टेबल होता है, उसमें हम पीआर एमआरपी को यहां सेलेक्ट कर लेंगे। आपका आ गया, तो स्लो परफॉर्म करता है। और यहां पे हम अमाउंट लिखते हैं और अमाउंट में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पे हम करते हैं इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और एंटर मार। और भी कोई कैलकुलेशन करनी है हो गया, जब सारी कैलकुलेशन हो जाए तो रिटर्न टू पिवट टेबल पे क्लिक करें और न्यू वर्कशीट पे ओके करें। अब यहां देखिए तीनों शीट हो गया, तो मैं सेल्स की एमआरपी नहीं, मैं सेल्स का अमाउंट लेता हूं यहां पे, और हम यहां प्रोडक्ट का यहां पे नेम रखते हैं, कस्टमर का यहां पे नेम है, और सिटी को हम फिल्टर में कर देते हैं, ठीक है। क्लियर सर? तो यहाँ पे हमारा पिवट टेबल खत्म होता है। पावर पिवट में और भी चीजें हैं, तो आपको पावर क्यूरी में वो चीजें बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगला चैप्टर हम कुछ मिसलेनियस चीजों की डिस्कस करके फिर हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे एक या दो क्लास में। तब तक आप लोग पिवट टेबल की अच्छी से प्रैक्टिस कर ले, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है रवि जी? इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा वीडियो, ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, और हम कल कुछ मिसलेनियस चीजों पे डिस्कस करेंगे, फिर फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे।